हेलो एवरीवन, आज हम लोग जर्नल एंट्री को ही कंटिन्यू करेंगे और ड्राइंग्स आहरण आहरण यानी बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का प्रोपराइटर, बिजनेस से कुछ भी अपने पर्सनल यूज, अपने डोमेस्टिक यूज में लेता है तो वो ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री देखेंगे अभी। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं, क्या फॉर्मेट है? पांच कॉलम होते हैं, डेट यहां पे, हाँ डेट, इसे थोड़ा इस तरफ, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट के दो कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फॉलियो और अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो कुछ सवाल लेते हैं, सपोज लिख लेते हैं सवाल, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज या प्राइवेट यूज कितना? 1,000, 2,000 कुछ भी लिखते हैं। दूसरा, कैश withdrew from bank for personal use 5,000। तीसरा, goods withdrew for personal या डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज, मतलब निजी प्रयोग में रुपीज 6,000। तीसरा, कोई एसेट ले लेते हैं, सपोज बिजनेस का मोटर बाइक है, मोटर बाइक और बिजनेस इज बीइंग यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस परमानेंटली रुपीज 60,000। तो इसमें देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में अपना जो कुछ भी लगाता है वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। तो उसी का बिल्कुल उल्टा है, बिजनेस का मालिक बिजनेस से जो कुछ भी अपने यूज में लेता है सारा ड्रॉइंग्स है। तो जैसे पहला है कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 2,000 रुपए। जो भी निकालेगा बिजनेस का मालिक बिजनेस से उसके लिए ड्रॉइंग्स वर्ड का, जैसे बिजनेस में वो लगाता है तो उसे कैपिटल बिजनेस के प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करता है, और बिजनेस का मालिक बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो ड्रॉइंग्स बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो कुछ भी वो बिजनेस से निकालेगा उसके लिए ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, और जो निकालेगा उसे वो, जिस चीज को निकाला जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
being cash withdrawn for personal use. दूसरा क्या है? पहला में सिर्फ कैश निकालो तो कैश ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट. दूसरे में बैंक अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया पर्सनल यूज में बिजनेस के प्रोपराइटर द्वारा, तो उसके लिए एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Being cash withdrew from bank for personal use. पहले वाले में कैश निकाला गया था तो क्रेडिट कैश को किया गया था, ड्रॉइंग्स डेबिट तो होना ही होना है. और दूसरे में बैंक से पैसा निकाला गया तो बैंक क्रेडिट हुआ और वो पर्सनल यूज में, तो फिर तो यहां पे तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे. तीसरा है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. बिजनेस में जो भी गुड्स है जिस चीज का बिजनेस कर रहा है वो सामान बिजनेस का, वो गुड्स जो है बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस से निकाल ले तो क्या एंट्री होगा? अपने पर्सनल यूज में अगर वो निकालता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. कितना? 6,000. मीन गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज. ये हो गया. और एक एंट्री लास्ट क्या है? मोटर बाइक का बिजनेस. बिजनेस का मोटर बाइक था, मोटरसाइकिल था, उसे पर्सनल यूज में, घर के यूज में परमानेंटली ले लिया गया है ना. तो क्या हो गया यहां पे? यहां पे करेंगे ड्रॉइंग्स तो डेबिट होगा ही होगा. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक अकाउंट. कितने का है? 60,000 रुपए का. मेन मोटर बाइक टेकन आउट फॉर पर्सनल यूज. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी कुछ बिजनेस का मालिक बिजनेस से निकालेगा उसके लिए ड्रॉइंग्स को हम डेबिट कर रहे हैं और जो निकाल रहा है वो उसे क्रेडिट कर रहे हैं. कैपिटल में क्या था कि जो भी कुछ बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाएगा उसे डेबिट करेंगे और वहां पर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. और उसी का उल्टा, जो बिजनेस से कुछ भी अगर बिजनेस का ऑनर निकालता है, प्रोपरेटर निकालता है, तो उसके लिए ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे और वो जो निकाल रहा है उसे क्रेडिट करेंगे. एक सवाल और देखते हैं ड्रॉइंग से रिलेटेड. सपोज सवाल है ₹252 पेड टू पंडित जी फॉर ऑफरिंग वर्शिप. Offering worship, out of which ₹101 for proprietor's house, मालिक के घर के पूजा के लिए इसमें से ₹100 proprietor's house. क्या ₹252 उसने पंडित जी को दिए दक्षिणा में, जिसमें से
जिसमें से 101 रुपए घर के मतलब प्रोपराइटर के घर के पूजा के खर्चा है, 252 रुपए टोटल पे किया गया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, घर के खर्चे के लिए दिया गया दक्षिणा, घर के पूजा का खर्च का दक्षिणा हो गया ड्रॉइंग्स 101 रुपया, और बाकी ऑफिस का खर्च पूजा का खर्चा है तो उसे लिख दिया गया वर्शिप एक्सपेंसेस, या दक्षिणा लिख देंगे दक्षिणा अकाउंट डेबिट कितना 151 टू कैश अकाउंट 252। ठीक है, बात समझ गए। बनाना फॉर्मेट में ही है, मैंने आपको फॉर्मेट पीछे के बताया है, तो इसे फॉर्मेट में ही बनाएंगे। है क्या यहाँ पे दिया गया पैसा 252 रुपया पंडित जी को पूजा के लिए। अब 252 रुपया में 101 रुपया जो है बिजनेस के मालिक के घर के पूजा का, तो घर के पूजा का जो पैसा खर्च हुआ है उसे ड्रॉइंग्स लिखा गया, और बाकी जो है ऑफिस का पूजा का उसे दक्षिणा लिख दिया गया, दक्षिणा अकाउंट डेबिट या वर्शिप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टोटल पैसे बिजनेस से निकले 252। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक ड्रॉइंग्स के बारे में हम लोग ने ड्रॉइंग्स से रिलेटेड सारे एंट्रीज देखे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।